नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको फ्रेंचाइजी कोर्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दूंगा कि हमारे ये फ्रेंचाइजी कोर्स में होता क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू फ्रेंचाइजी ये हमारा नौ मिनट का वीडियो रहेगा इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे हम इसमें आपको बताएँगे कि लर्न द स्कोप ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस कि आगे फ्रेंचाइजी बिजनेस किस तरीके से काम आएगा किस तरीके से क्या इसका स्कोप है किस तरीके से आगे डेवलप होगा ये हम बताएंगे मेक आ फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वाइल एंटरिंग इन टू फ्रेंचाइसी बिजनेस तो आपको ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स आपको बनाने होंगे जो कि आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो या ले रहे हो तो उसको किस तरीके से आपके पास क्या राइट्स रहेंगे आपके पास क्या रेगुलेटर रहेंगी आपके पास क्या ऑथोरिटी रहेंगी ये सब हम आपको पूरा डिटेल में बताएँगे बी पैशनेट अबाउट न्यू लर्निंग इन फ्रेंचाइजी बिजनेस तो आप किस तरीके से नई नई अपॉर्चुनिटी को देख कर किस तरीके से आप अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को या फिर आप कोई फ्रेंचाइजी बिज़नेस ले रहे हो तो उसको किस तरीके से आप देखोगे लर्निंग लोगे और आप सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनोगे डू ट्रेनिंग एंड डेवलप ऑफ एसओफी तो आप अपने फ्रेंचाइजी की आप ट्रेनिंग करोगे और डेवलपमेंट करेंगे उनको एम्पावर करोगे और एस ओ पी एस ओ पी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस तो ये किस तरीके से बिल्ड किया जाता है फ्रेंचाइजी में ये आप हमारे इस कोर्स से जो है वो सीखेंगे तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के तरफ जिसमें हम आपको जैसे सिखाएंगे कि फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ये हमारा तेरह मिनट का वीडियो रहेगा इसमें बिकम अ फ्रेंचाइजी ऑफ रेपूटेड ब्रांड इफ़ यू ड्यू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट अपज़नेस फ्रॉम स्क्रैच तो अगर आप अपना बिजनेस स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना चाहते हो अगर आप कोई बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो ये सक्सेसफुल रहता है एज कंपेयर टू आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करते हैं तो टेक बेनिफिट्स ऑफ द ऑलरेडी सेगमेंटेड मार्केट बाय बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ एन इस्टेब्लिश ब्रांड कि ऑलरेडी जो ब्रांड है मार्केट में उसके आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हो और अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं जैसे एग्जांपल आप बड़ा बिज़नेस के एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हो मीन्स आप आई बन सकते हो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और एक रेपूटेड ब्रांड के साथ आप मिलकर वर्क जो है वो कर सकते हैं टू तो टेक अवॉयल बेनिफ, बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इन द फ्रेंचाइजी सेक्टर ऑफ इंडिया तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में फ्रेंचाइजी बिजनेस की इंडिया में ये हम इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ इस तीसरे वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा डिफरेंस अमाउ फ्रेंचाइज बिजनेसेस एजेंसी क्या होता है एजेंट क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में संपूर्ण हम जानकारी लेंगे इसमें आपको सीखने मिलेगा अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइज एंड एजेंसी एंड एजेंट एंड बिजनेस कि फ्रेंचाइजी के बीच में क्या डिफरेंट होता है एजेंसी के बीच में क्या डिफरेंट होता है एजेंट के बीच में क्या डिफरेंट होता है और बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखें देखेंगे इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इट इज़ बेटर फॉर यू टू बी एन एजेंट अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही लो है तो ये बेटर है कि आप कोई कंपनी के एजेंट बन सकते हो और उनके साथ अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हो बी आ फ्रेंचाइजी इफ़ यू वांट टू कंस्टेंट सपोर्ट इन योर बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस प्रोसेस एंड ट्रेनिंग अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग डेवलप करना पड़ता है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस भी दे आपको डेवलप करना पड़ता है आपको कंटिन्यूसली नॉलेज लेना पड़ता है बट अगर आप एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो ऑलरेडी उनका ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग का प्रोसेस आपको मिलता है और एक रिस्पेक्टेड ब्रांड आपको मिलता है तो ये एडवांटेजेस है फ्रेंचाइजी लेने के ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे तो हम हमारे चौथे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं चौथे वीडियो में आप जैसा सीखेंगे कि किस तरीके से आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है ये हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ये हमारा नौ मिनट का वीडियो रहेगा इसमें टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्रूवन बिजनेस फार्मूला ऑफ द फ्रेंचाइजर कि ऑलरेडी उसका ब्रांड इस्टेब्लिश है ऑलरेडी उसका प्रूवन स्टार्टअप है जिस जिसके आपको उनका ब्रांड नहीं मिलेगा और आप भी डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे एक फ्रेंचाइजी को लेके रन फ्रेंचाइज बिजनेस एज़ पर द फ्रेंचाइज स्टैंडर्ड ऑलरेडी जो रूल्स बना हुआ है उसके हिसाब से आप चलेंगे वो आपको पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको बना कर देंगे और उस हिसाब से आप अपना बिजनेस जो है आगे डेवलप करेंगे कंसीडर ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ़ फ्रेंचाइजी बिजनेस तो फ्रेंचाइजी बिजनेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं डिसएडवाटेजेस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के तरफ इसमें आप जैसे हमारे तरफ से जैसा सीखेंगे कि किस तरीके से अल्टरनेटिव्स ऑफ फ्रेंचाइजी कि आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको किस तरीके से आप ओवरकम करेंगे और अपने बिजनेस को आप आगे जो है वो बढ़ा सकते हो यूज़ अल्टरनेटि ऑफ फ्रेंचाइजी टू एक्सपांड योर बिजनेस इफ़ द फ्रेंचाइजी मॉडल डज नॉट सूट यू तो ऐसा बहुत सारे बिजनेस में होता है कि आपको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है आपको सक्सेसफुल आपके बिजनेस के लिए वो सूट ना बैठता हो सक्सेसफुल ना बैठता हो तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे एंटर इन टू कंपनी ओन्ड ऑपरेशन टू हैव हंड्रेड परसेंट कंट्रोल ओवल और योर डाउट और योर आउटलेट्स तो किस तरीके से आप हंड्रेड परसेंट ओन्ड हो सकते हो आपके आउटलेट्स के इस इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे यूज लाइसेंसिंग टू डू बिजनेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कि आप किस तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने फ्रेंचाइजर को आप अपना लाइसेंस दे सकते हो और आप अपने कस्टमर के पैसे के ऊपर आप वर्किंग जो है वो कर सकते हो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे एंटर इन पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर टू यूज स्किल एंड स्ट्रेंथ ऑफ अदर बिजनेसेस तो आप किस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हो जॉइंट वेंचर के साथ आप वर्क कर सकते हो स्किल और स्ट्रेंथ के साथ अपने अदर बिजनेस को भी आप डेवलप कर सकते हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे अल्टरनेटिव्स ऑफ फ्रेंचाइजी किस तरीके से आप अपने अल्टरनेटिवस आप ढूंढ सकते हो तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सीखेंगे आपसे हम आपको सिखाएंगे ये हमारा सिक्स नंबर का वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल तो किस फ्रेंचाइजी के कितने टाइप्स होते हैं जैसे अडेप्ट फोको मॉडल इफ़ यू फ्रेंचाइज वांट वैल्यू फॉर मनी एंड रिक्स फ्री बिजनेस फोको मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड इसका ये फोको का ये मीनिंग होता है ये इस और डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से फ्रेंचाइज ओन के ऊपर आप अपना बिजनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं चूज द फोफो मॉडल इफ़ यू वांट टू कंप्लीट कंट्रोल इन द फ्रेंचाइज बिजनेस फोफो मतलब क्या होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेशन मॉडल इसमें आप अपना बिजनेस किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो इसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो पूरा डिटेल में हम जानेंगे तो बढ़ते हमारे आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ इसमें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइसी मॉडल पार्ट टू तो ये पार्ट टू का वीडियो हमारा ये तेरह मिनट का रहेगा इसमें हम जानेंगे एडोप द कोफो मॉडल टू एक्सपांड योर ब्रांड एट लिमिटेड एक्सपेंस तो कोफो का मीनिंग क्या होता है कंपनी ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड इसको किस तरीके से आप अपना ब्रांड जो है वो लेके जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में अडोप्ट द कोको मॉडल इफ़ यू वो डोंट वांट टू शेयर द प्रॉफिट विथ एनी थर्ड पार्टी फ्रेंचाइज तो कोको मॉडल क्या होता है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड ये होता है कोको -को का मॉडल का मीनिंग तो आप किस तरीके से अपना ही फ्रेंचाइज़ मॉडल ओपन कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जो है वो जानेंगे तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ आठवें वीडियो की तरफ हाउ टू सेलेक्ट द राइट फ्रेंचाइज़ मॉडल कि राइट फ्रेंचाइज़ मॉडल किस तरीके से चूज़ किया जाता है डू सेल्फ एवेलुएशन टू नो योर इंटरेस्ट एरिया फॉर डूइंग अ बिजनेस कि आप किस तरीके से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जिस चीज़ में पैशन है उसका आप चीज़ का किस तरीके से फ्रेंचाइजी ले सकते हो और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप आप अपना खुद का कर सकते हो इस वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे इन्वेस्ट इनफ टाइम इन टू फ्रेंचाइजी बिजनेस टू मेक अ इट सक्सेसफुल आपको बहुत दिनों तक एक फ्रेंचाइजी को आपको रन करना पड़ता है जिसका आपको पूरा डिटेल में नॉलेज आ जाता है और डेफिनेटली आप भी अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं चूज़ द राइस फ्रेंचाइज़ बिज़नेस पर योर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट कि आपको जो एक्सपीरियंस है आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हो स्पीक टू एक्जिस्टिंग फ्रेंचाइज टू नो द रियल सिचुएशन ऑफ द फ्रेंचाइज बिजनेस कि ऑलरेडी जो ब्रांड का फ्रेंचाइजी चल रहा है या उसकी दस या सौ फ्रेंचाइजी होंगी अगर आप उनका फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हो ऑलरेडी तो जो चल रहा है उनसे आप फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से ये फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेस है क्या इसमें प्रॉफिट है क्या इसमें मार्जिन है क्या कस्टमर मिलता है क्या ये आप उनसे ऑलरेडी आप समझ लीजिए और उसके बाद आप उन कंपनी का फ्रेंचाइजी जो है आप ले सकते हो तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लीगल एक्सपेक्ट ऑफ फ्रेंचाइजी ये हमारा नौवा वीडियो रहेगा कि आप किस तरीके से आप इसमें क्या एक्सपेक्ट होते हैं क्या लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कंसीडर ऑल द लीगल एक्सपेक्ट बिफोर ओपनिंग अ फ्रेंचाइजी नो द कंपनी लीगल स्टैंडिंग कंपनी के आपको जो भी लीगल स्टैंडिंग है उसको आपको जान लेना है मेक श्योर द लॉक इन पीरियड एंड रिनील ऑफ़ फ़ी आर इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट तो उनका रिनील फ़ी क्या है कितने साल का एग्रीमेंट है कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा आपको क्या करना होगा इसके बारे में डिटेल में आप एग्रीमेंट जो है वो आप पूरा पढ़ लीजिए जिससे आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी मस्ट कलेक्ट द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कॉपी तो आपको एग्रीमेंट जो है फ्रेंचाइसी का वो आपको कलेक्ट करना है जिससे आपके क्या राइट्स हैं उनके क्या राइट्स हैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जो है वो नॉलेज आपको मिल जाएगा तो ये हम सीखेंगे नौवे वीडियो में अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के तरफ दसवें नंबर के वीडियो की तरफ इसमें आपको हम सिखाएंगे हाउ टू मेक अ फ्रेंचाइसी डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट जिसे एफ बोला जाता है फ्रेंचाइसी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट तो मेक एफ डी डी टू प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंचाइजी तो किस तरीके से आप फ्रेंचाइज डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट आप अपने फ्रेंचाइजी को दे सकते हो कि उसे भी पता रहे कि उसके क्या राइट्स है उसके क्या रूल्स है उसके क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है जिससे आप भी सेफ़ रहेंगे और आपका फ्रेंचाइजी भी जो है वो सेफ़ रहेगा मेक अ लिस्ट ऑफ़ एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी इन योर एफ डी डी तो ऑलरेडी आपके जो फ्रेंचाइजी चल रहे हैं सक्सेसफुल वो आप अपने फ्रेंचाइजी डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट में आप लिख के रख सकते हैं कि आपको भी ट्रस्ट रहे आप, आपका भी एक ब्रांड बिल रहे और आप जो कस्टमर को अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट रहे टेक द हेल्प ऑफ लॉयर इन केस यू फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग एफ अगर आपको फ्रेंचाइसी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लॉयर की भी हेल्प आप ले सकते हो कवर ऑल द आइटम डिस्कस इन द वीडियो इन योर एफ डी डी इसमें जो जितने भी हम आपको आइटम्स बता रहे हैं जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो आपको पूरा डेफिनेटली आपको फॉलो करना है तो डेफिनेटली आप भी अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में लेकर जा सकते हैं प्रोवाइड सिग्नेट एक्नोलेजमेंट टू तो योर फ्रेंचाइजी क्या आप अपने फ्रेंचाइजी के साथ किस तरीके का एक्नोलेजमेंट आप करना चाहते हो इस इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे तो बढ़ते हैं हमारे इलेवन नंबर के वीडियो की तरफ इसमें हम आपको सिखाएंगे फ्रेंचाइज एग एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ये हमारा ग्यारह मिनट का वीडियो रहेगा इसमें हम आपको बताएंगे एंटर इन टू अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टू सिक्योर योर बिजनेस फ्रॉम चीटिंग एंड फ्रॉड कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चीटिंग एंड फ्रॉड के थ्रू आप ओवरकम कर सकते हो और आप सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी आप बना सकते हो कवर ऑल द बिजनेस रिलेटेड फैक्टर इन टू अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट तो आपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है वो आप अपने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में आप डाल दीजिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ बारहवें नंबर के वीडियो में चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फ्रेंचाइजी कि आप किस तरीके से अपने जिसकी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो या फिर आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो उनका ऑलरेडी क्या बैकग्राउंड है उनका एग्रीमेंट क्या है उनका स्टेटमेंट क्या है अकाउंट का उनके पास कितना कैश है उनका कितना टर्न है ये भी आप पूरा डिटेल में आप चेकआउट कर लीजिए चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सिग्निंग द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मेक श्योर द फ्रेंचाइजर कैश इन हैंड मोर देन इट्स लाइबिलिटी चूज अ कंपनी डैट इज गेटिंग मोर रेवेन्यू थ्रू बिजनेस ऑपरेशन फंड फ्रेंचाइजी बिजनेस थ्रू अ पर्सनल सेविंग टू गेट हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट चूज फ्रेंचाइजर फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर क्विक फंडिंग फॉर अ फ्रेंचाइज कि आप किस तरीके से आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो या फ्रेंचाइजी ले रहे हो आपको दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चेक करना चाहिए अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें कि उनके पास कितना कैश है कितना लाइबिलिटी है कितना डेप्ट है और अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी किसी को देना चाहते हो तो आप उनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए कि आपका ये फ्रेंचाइजी से लेने के बाद उसे सही तरीके से रन करेंगे क्या उनके पास वो नॉलेज है क्या आपके वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे क्या ये भी आप पूरा डिटेल में आप पहले ही जानकारी ले लीजिए नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ थर्टीन नंबर के वीडियो की तरफ इसमें हम आपको सिखाएंगे क्राइटेरियाज़ फॉर एवेलिंग द फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी कि मार्केट में किस तरीके से आप इवोल्युएट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज़ मार्केट में अवेलेबल है और आप उस फ्रेंचाइजीज़ को लेके आप किस तरीके से अपना बिजनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं कंसीडर ऑल द एट पॉइंट्स वाइल इवॉल्यूएटिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी तो हम इस वीडियो में फ्रेंचाइज चॉइस करने के आठ पॉइंट आपको डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी आप ढूंढ सकते हो और आप अपना बिजनेस जो है वो एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो ना कि एक स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो रिसर्च एंड सिलेक्ट द राइट फ्रेंचाइजर फॉर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द फ्रेंचाइजी मॉडल तो आपको एक रेपूटेड ब्रांड के साथ कनेक्ट होना है जिससे आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस भी मिल जाएगा और ब्रांड का नेम भी आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आप अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस में सक्सेसफुल बनेंगे अंडरस्टैंड यूर कस्टमर प्रोफाइल वाइल ओपनिंग ऑफ फ्रेंचाइज तो आपको अपने कस्टमर का बिहेवियर अपने कस्टमर का प्रोफाइल आपको पहले ही पता कर लेना है कि आप किस तरीके का फ्रेंचाइजी मॉडल में आप एंटर कर रहे हो कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है चेक द रिपोटेशन ऑफ ब्रांड वाइल इन्वेस्टिंग इन इट्स फ्रेंचाइज तो आपको एक उनका ब्रांड आपको सबसे पहले चेक कर लेने का है कि ब्रांड की वैल्यू क्या है ये किस तरीके से आगे डेवलप करेगा मार्केट में इनकी स्टैब्लिश किस तरीके से है ये आपको पहले से ही आपको चेक कर लेने की है तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे टेन रीज़न टू बाय अ फ्रेंचाइज कि किस तरीके से या कौन से दस रीज़न हैं जिससे आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं स्टार्टअप फ्रेंचाइज बिजनेस टू गेट अ स्ट्रांग कस्टमर बेस ऑलरेडी मेड बाय द फ्रेंचाइज तो ऑलरेडी उनका ब्रांड इस्टेब्लिश है ऑलरेडी उनके कस्टमर हैं बस उनके कस्टमर अभी जो पहले की फ्रेंचाइजी है उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं तो आप भी एक नया फ्रेंचाइजी उनका ले सकते हो और उनके पूरे कस्टमर आपको भी मिल जाएंगे टेक अ फ्रेंचाइज ऑफ रेपूटेड कंपनी टू अवेल ऑफ इजी फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक्स तो आपको एक रिपोर्टेड कंपनी के आपको एक फ्रेंचाइजी लेनी है जिससे आप भी अपना अर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छा कर सकते हो बी योर बॉस बाय ओइंग फ्रेंचाइजी आप फ्रेंचाइजी ले आप अपने खुद के बॉस बनते हो और अपना खुद का बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट करते हो टेक अ बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजर सप्लायर बेस टू गेट मटेरियल ऑन लो कॉस्ट तो आप अपने फ्रेंचाइजर के उनके जो सप्लायर हैं उनसे आप ले सकते हो कि किस तरीके से आप आपको रॉ मटेरियल जो है वो लो कॉस्ट में आपको मिलेगा तो ये दस रीजन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों लेना चाहिए तो बढ़ते हैं हमारे पंद्रह नंबर के वीडियो की तरफ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एस इन फ्रेंचाइसी क्या कि आप किस तरीके से अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे इम्प्लीमेंट एस ओ पी इन योर फ्रेंचाइज टू मेंटेन क्वालिटी आउटपुट एंड इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी क्या आप अपने बिजनेस में किस तरीके से एफ एस ओ पी बिल्ड कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो दस गुना बीस गुना सौ गुना बढ़ा सकते हो एन दैट एस ओ पी इंक्लूड द एंट्री पॉइंट ऑपरेटिंग एंड एक्सिट पॉइंट प्रोसेस टू अजनस इन डिटेल तो आपको यह पहले ही एंश्योर कर लेना है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा अपने फ्रेंचाइज के साथ और एक्सिट पॉइंट क्या होगा यह आपको पहले ही डिसाइड कर लेने का है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में एंटर कर रहे हो इसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है और आप अब जब एक्सिट कर रहे हो तो उसके लिए क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है यह आपको पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है तो बढ़ते हमारे हम नेक्स्ट वीडियो के तरफ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये हमारा सोलह नंबर का वीडियो रहेगा स्टेप टू बिल्ड एन एस हम इसमें पूरा डिटेल में एस के बारे में जानेंगे क्रिएट ब्रांड मैनुअल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग द एस आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है जिस पे आप अपना मैनुअल्स के थ्रू आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो यूज ईआरपी फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप अपना एक ई सॉफ्टवेयर इन बिल्ट हाउस इन हाउस सॉफ्टवेयर आप बिल्ड सकते कर सकते हो ई मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कि किस तरीके से आपके फ्रेंचाइजर के पास कुछ सामान बचा है या उसके पास इन्वेंट्री जो है वो रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में डिटेल में आपको एक ई सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आपको मिल जाएगा तो बढ़ते हैं हमारे सत्रह नंबर के तरफ वीडियो के तरफ इसमें हम आपको बताएंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे ये हमारा बारह नंबर का वीडियो है यूज़ द फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल फॉर ईजी एक्सपांशन ऑफ बिजनेस कि आप किस तरीके से ईजी एक्सपांशन कर सकते हो अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस का इसमें जानेंगे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर ब्रांड अक्रॉस द कंट्री यूजिंग द फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस तो आप किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो फ्रेंचाइजी की हेल्प से गिव मोर फ्रेंचाइज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आप किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आप दे सकते हो और उससे आप अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ इसमें ये हमारा अठारह नंबर का वीडियो रहेगा इसमें हम जानेंगे रीजन बेहन द फेलर ऑफ फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइज़र एक ऐसे कौन से कारण हैं जिससे फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर किस तरीके से फेल होते हैं तो ये किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे मेंटेन एसओपी फॉर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी अगर आपको सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना है तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस आपको फॉलो करने ही होंगे ऑलवेज चूस अस सूटेबल लोकेशन फ़ॉर फ्रेंचाइजी आप किस तरीके से सूटेबल लोकेशन ले सकते हैं क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता हैव अ सफिशेंट वर्किंग कैपिटल टू रन अ फ्रेंचाइज बिजनेस कि आप किस तरीके से सफिशेंट कैपिटल में आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और आप डेफिनेटली ग्रोथ अपने बिजनेस में कर सकते हो डू नॉट चूज अनस्किल्ड फ्रेंचाइज आप अगर आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो और वो सामने वाले के पास वो टैलेंट नहीं है वो मैन पावर नहीं है तो वो आपके बिज़नेस का और आपके ब्रांड का नेम भी जो है वो ख़राब कर सकता है इसलिए आप किसी को भी अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो उसके अंदर वो स्किल जो है वो पहले से ही वो रहनी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये हमारा उन्नीसवा नंबर का वीडियो रहेगा केश स्टडी ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल कि किस तरीके से जो डिफरेंट हमारे पास जो केस स्टडी है वो किस तरीके से सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे टेक द फ्रेंचाइज ऑफ रेपुटेड ब्रांड लाइक के एफ सी बर्गर किंग और एन आई आई टी टू अर्न मोर रेवेन्यू क्या आप किस तरीके से रेपूटेड ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया के एफ सी बर्गर किंग एन एन आई टी इनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो और डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो कंसिडर ऑल द वैल्यूएबल पॉइंट्स डिस्कस इन द वीडियो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ फ्रेंचाइजी तो इस वीडियो में ये हमारा पंद्रह मिनट का वीडियो रहेगा इसमें आपको पूरा आपको पहले पूरे वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको लिख लेने के हैं कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में एंटर करने से पहले फिर हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम आपको पूरा समरी बताएँगे कि ये हमने जो इतने जो बीस वीडियो बनाए हैं इसको आप किस तरीके से एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बना सकते हो डू क्रेडिबिलिटी एनालिसिस ऑफ योर ब्रांड बिफोर गोइंग फॉर अ फ्रेंचाइजी बिजनेस तो सबसे पहले आपको एक ब्रांड बना बना लेना है अगर आप फ्रेंचाइजी देने जा रहे हो तो क्रिएट बिजनेस मॉडल विच आर एफोर्डेबल फॉर फ्रेंचाइज आपको एक ऐसा मॉडल आपको क्रिएट करना है कि आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो उसके लिए भी वो एफोर्डेबल हो फोकस ऑन बिल्डिंग कमिटमेंट और रिलेशन विथ फ्रेंचाइजी आपको एक कमिटमेंट और रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है अपने फ्रेंचाइजीज़ के साथ चूज द राइट मार्केट टू सेल प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस आपको एक राइट right मार्केट आपको चॉइस करनी है जहाँ पे आप अपने सेल को अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और सस्टेनेबल बिजनेस जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट का ट्वेंटी वीडियो ख़त्म होता है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल का बिजनेस फ्रेंचाइजी का बिज़नेस हमारा जो कोर्स है ये आप डेफिनेटली परचेस करिए इसमें हम आपको बीस वीडियो के माध्यम से ये लगभग हमारा तीन घंटे का पूरा कोर्स है जिसमें हम आपको फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी शीट रीडिंग मटेरियल ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और डेफिनेटली आप भी एक बहुत ही अच्छे फ्रेंचाइसी पार्टनर बन सकते हो या फिर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर सकते हो तो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है वहाँ से आप हमें से संपर्क करिए और इस फ्रेंचाइसी कोर्स को आप डेफ़िनेटली देखिए और अपने बिजनेस को आप डेफिनेटली सक्सेसफुल जो है वो आप बनाइए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू